अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير। आज की क्लास के हवाले से ज़रूरी बात यह है, आज की क्लास ट्रांसलेशन और लफ्ज़ी वजाहत पर मुश्तमिल है। कोशिश कीजिएगा कि जब लफ्ज़ी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हों तो आप सब ने इस कलाम पाक वही इलाही के अल्फाज को अपने ज़ेरे लब मेरे साथ साथ दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। और ये सोच कर कि ये अल्लाह ताला का पाक कलाम है और अल्लाह ताला ने मुझे हर सूरत लाजमन सिखा देना है इंशाअल्लाह, वो रब खुद ही आसान बना देगा। हमने अपनी तरफ नहीं बल्कि अपने रब की तरफ देखना है। पहले हम लफ्ज़ी ट्रांसलेशन करेंगे और फिर लफ्ज़ी वजाहत की तरफ चलेंगे। अल्हम्दु सब तारीफ लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए है, रब्बी पालने वाला है, अल आलमीन सारे जहानों का, अर्रहमान वसी रहमत वाला है, अर्रहीम निहायत रहम वाला है, मालिकी मालिक है, यौमी दिन का, अद्दीन बदले का। अब इन अल्फाज की वजाहत की तरफ चलते हैं। तर्जमे के हवाले से मज़ीद वजाहत ये होगी कि हम ट्रांसलेशन को उर्दू ज़बान से मैच करके देखेंगे, क्योंकि तर्जमा हमने उर्दू ज़बान में करना है और इसके लिए आप मेरे साथ इतना कोऑपरेट करेंगी कि आप अल्फाज में से हरूफ तलाश करेंगी जो अल्फाज के बुनियादी हरूफ हैं और जो उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल होते हैं। अल्हम्दु, अल जो है अलिफ लाम, ये ख़ास के लिए है, जैसे मारफा और नकरा होता है, आम और ख़ास होता है, कॉमन नाउन और प्रोनाउन होता है, ऐसे ही अलिफ लाम जो है ये ख़ास के लिए है। ये बात अच्छी तरह याद रख लें। कुरान पाक की बेशुमार आयात और अल्फाज ऐसे होंगे जिन अल्फाज के शुरू में अल यानी हमज़ा लाम या अलिफ लाम आ जाए वो ख़ास बन जाता है। अल तमाम, हम्दु, हम्दु इसमें तीन हरफ कौन कौन से हैं? हामीम दाल। ये हमारा उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है हम्द यानी तारीफ बयान करना। हम्द सब तारीफ लिल्ला अल्लाह ताला ही। अब ये जो लिल है, लिल ली लाम, अरबी ज़ुबान इतनी खूबसूरत और प्यारी ज़ुबान है कि इसमें हरफ के भी जो है तर्जमा और उसके मानी होते हैं। जैसे बा है, उर्दू में तो उसका कोई मानी नहीं है, बा है, लेकिन अरबी में उसका मानी है। जैसे लाम है तो इसका मानी है के लिए, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए, रब्बी पालने वाला है, रब मालिक आका सैयद सरदार परवरिश करने वाला परवान चढ़ाने वाला। इंशाअल्लाह ताला ये जो रब लफ्ज़ है 925 बार कुरान पाक के अंदर आया है और बेशुमार दुआएं रब्बाना रब्बी अल्लाहुम्मा रब्बा, तो ये जो रब लफ्ज़ है बहुत खूबसूरत है और इंशाअल्लाह ताला इसको हम तफसीर में और भी वजाहत से देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से जब आपने वर्ड्स पढ़ना है तो
उस लफ्ज़ की गहराई में, जैसे ही आप एक लफ्ज़ पे जाएं तो साथ ही उसकी गहराई में भी चले जाएं। अल आलमीन, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके शुरू में भी अलिफ लाम आ गया तो ये ख़ास बन गया आलमीन। आलिम एक होता है आलम, एक होता है आलिम। अब ये आलमीन आलम है, जहान जहानों, आलिम जो होता है वो इल्म वाला होता है। इस चीज़ों का आपने फ़र्क रखना है। अलिफ लाम ख़ास के लिए आ गया और इसका रूट आइन लाम मीम है। आखिर में जो या नून है ये जमा के लिए आता है, जैसे मुमिनीन, बेशुमार अल्फाज कुरान पाक में हैं। तो ये फॉर्मेट जो है कुरान पाक की ट्रांसलेशन को समझने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। अल खास आइन लाम मीम इसका रूट है, या नून जमा के लिए। अर्रहमान वसी रहमत वाला, इसकी वजाहत जो है आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पढ़ चुकी हैं। तो आप रहमान के बुनियादी हर्फ कौन से होंगे? अर्रहीम, इसके शुरू में भी अलिफ लाम खास, निहायत रहम वाला। इसके बुनियादी हर्फ कौन से होंगे? माशाल्लाह मालिकी मालिक। हम बेशुमार जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मलकियत, मेरी मलकियत में क्या चीज़ है। अगर चीज़ ये आर्जी है लेकिन कुछ ना कुछ मलकियत में हम सब के ज़रूर है। मालिकी का रूट है मीम लाम काफ। बहुत ही खूबसूरती के साथ इसकी वजाहत है। यौमी दिन का, यौम भी हमारी उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी। या वाव मीम अद्दीन बदले के, अब इसमें भी शुरू में अलिफ लाम लग गया, अद्दीन दाल या नून, बदले का दिन, जजा का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्फाज के कुछ कुछ वजाहत तो आप सबको समझ आ गई। एक लफ्ज़ रब्बी का रूट थोड़ा सा मैं और वजाहत करना चाहूँगी। रब्बी, देखने में ये दो हरफ हैं लेकिन रब्बी बा के ऊपर शद है, तशदीद है, और जिस हरफ के ऊपर शद आ जाए उसको डबल पढ़ा जाता है, दो दफ़ा पढ़ा जाता है। तो इसका रूट होगा रा बा बा, रब मानी पालने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह इन तीन आयात की लफ्ज़ी वजाहत और जो है इनके रूट्स वर्ड अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। अब हम थोड़ा सा इसकी बामहावरा ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। अल्हम्दु तमाम तारीफ लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए है, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है, अर्रहमानिर्रहीम जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, मालिकी यौमिद्दीन जो रोज़े जज़ा का बदले के दिन का मालिक है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए नई होंगी, उसको साथ साथ नोट करते जाएं, इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ ये नई चीज़ें भी समझ आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है जो सीखा जो सिखाया अल्लाह ताला कबूल फरमाए और ये सफ़र हमारे लिए आसान फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।